दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये जियो जो एप्लीकेशन में यानी माई जियो एप्लीकेशन में जो आपका वाउचर अवेलेबल है उसको यूज़ दूसरे नंबर पर, जी हाँ दूसरे जियो नंबर पर किस तरह से करना है, या आप जानते ही नहीं हैं कि वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, तो ये सब जानकारियाँ आज इस वीडियो में दूंगा। तो कैसे स्टार्ट करा जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे जियो का जो वाउचर अवेलेबल रहता है माई जियो ऐप में उसको अनदर जियो नंबर पर कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जियो का वाउचर को अनदर जियो नंबर पर यूज करने का। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं अपने वर्बली या ऑडियो विजुअल के हिसाब से अभी बता दूंगा, उसके बाद उसका लाइव मैं एक दिखा दूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने माई जियो ऐप में देख लेना है आपके पास अवेलेबल वाउचर है कि नहीं। ठीक है, तो वहां जाके आप जानेंगे कि ये वाउचर अवेलेबल है लेकिन ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए आपने किसी अनदर नंबर पर आपको रिचार्ज करना है। कितने का? जाहिर सी बात है, अगर उस वाउचर को यूज करना है तो 300 से अबव का करना होगा। तो आप 399 का वहीं पर जाइए और बाई ऑप्शन में यानी अपने वाउचर सेक्शन में रहिए, और जो माई जियो का वाउचर सेक्शन होता है वहां पर एक बाई ऑप्शन दिखेगा, वहां पर बाई कीजिए। कोई भी एक पैक 399 या 449 कुछ भी आप एक ले लीजिए, उसमें परचेस करने के टाइम आपको सब दिखेगा कि वहां पर अपना जो अवेलेबल जो वाउचर है उसको रिडीम कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, अपना जो वाउचर है जो अवेलेबल 50 रुपये का, उससे वो अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे अगर आप 399 का है तो ये 50 माइनस करके 349 हो गया। इसके बाद उसको परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद आपके वो अवेलेबल वाउचर में वो दिखने लगेगा, वो जो पैक है जो रिचार्ज का पैक है वो दिखने लगेगा। अब उसको क्या कीजिए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। ये जो वाउचर है ये ट्रांसफरेबल है, यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं अनदर नंबर पर। सिंपली से क्या करना है, उसको ट्रांसफर कर दीजिए अनदर जियो नंबर पर, वहाँ पर वो वाउचर आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से अपना जो जियो नंबर है उसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लाइव देख लेते हैं किस तरह से होता है, उसके बाद लास्ट में वीडियो पे आते हैं कंक्लूजन में। दोस्तों जैसा कि बात कर रहे हैं कि आपको जियो का जो वाउचर है उसको आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पर रिचार्ज करोगे। उसके लिए बहुत ही ईजी स्टेप्स है जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बता ही रहा हूँ। पूरा डिटेल्स के लिए वीडियो आप देख ही लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, माई जियो का जो ऐप है उसको ओपन करना है। उसके बाद माई वाउचर में चले जाइए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ट्रांसफर नहीं करने के लिए बोल रहा है, और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं सामने से दिखाता हूँ कि ये नॉट जो ट्रांसफर के लिए बोल रहा है, लेकिन इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करना होता है, किसी दूसरे नंबर पर करने के लिए सबसे ईजी है। सबसे पहले क्या कीजिए, एक बाई में जाइए। यहाँ बाई में आके आपको एक रिचार्ज जो वाउचर उसको परचेस कर लेना है। मान लीजिए आपने 449 का एक प्लान परचेस कर लिया। जैसे ही आपने बाय नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपको एक नेक्स्ट पेज में लेके चला जाएगा, जहां पर आपसे पूछेगा क्वांटिटी क्या एक लेना है, कौन सा प्लान लेना है, मतलब आपको रिकन्फर्म करने के लिए बोलता है। फिर जैसे उसको आप कन्फर्म कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही तो यहाँ पर आपका जो वाउचर अवेलेबल है 50 रुपीज़ का उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे वाउचर मिले हुए हैं पहले के रिचार्ज में, उनको आप सिर्फ अपने नंबर पर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा आप दूसरे नंबर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अप्लाई जो डिस्काउंट वाउचर, उसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, अब इसका जो कीमत हो गया है कितना हो गया, कम हो गया है 50 रुपया, कम हो गया 399 हो गया। इसके बाद आप इसको पेमेंट कर दे, यहाँ से आपने वाउचर परचेस कर लिया पेमेंट करके, उसके बाद आप जो अपना वाउचर सेक्शन है वहाँ पर आइए। इजी से वहाँ दिखेगा कि आपका वाउचर यहाँ अवेलेबल है, जो कि मैंने ऐसा कर लिया था उसके बाद ही आपको दिखा रहा हूँ। वाउचर यहाँ अवेलेबल होने के बाद आप उसको इजी से किसी जगह पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल यह एक आ जाएगा देखने के लिए कि वाउचर, यहाँ पर ट्रांसफ़र में जाइए, यहाँ पर ट्रांसफरेबल जो भी आपका वाउचर है जो आपने परचेस किया है 499 वाला, वो जो भी दूसरे नंबर पर उसको भेज दीजिए। अब वो जो नंबर है जिस पर आप ले रहे हैं उनके पास वो गिफ्ट वाउचर चला जाएगा, अब वो उनको रिडीम कर सकते हैं वो रिचार्ज के माध्यम से। तो बहुत ईजी था दोस्तों, ये था जो आपके पास लाइव मैंने दिखाया किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। तो जरूर से अपना जो
फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किस तरह से आप अपने अनदर नंबर पर रिचार्ज कर पाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।